लगातार हो रही झमाझम बारिश ने सर्दी खांसी बुखार के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। रोजाना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं ओपीडी में तैनात डॉक्टर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर मरीजों को खड़ा करके बारी बारी से सभी का इलाज कर रहे हैं। साथ ही ओपीडी कक्ष के बाहर कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए और उससे बचने के लिए लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है और दिखाने आए मरीजों से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने, मास्क लगाने की अपील की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर बी के सुमन ने कहा, सर ओपीडी कुछ बड़ी है क्या सर? ओपीडी बड़ी है, पहले की अपेक्षा बड़ी है। सेतु ऐप एवं आयुष सुरक्षा कवच का प्रयोग करें। कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त सावधानियां अपनाते हुए कोरोना से बचा जा सकता है। अभी तो ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है और जब से लॉकडाउन टूटा है तब से मरीज की संख्या बढ़ रही है। मरीज आ रहे हैं, सुदूर क्षेत्र से आ रहे हैं, खास करके खांसी जुकाम के मरीज काफ़ी आ रहे हैं। उसमें कुछ डायरिया का भी मरीज आ रहे हैं और कॉमन बीमारियां जो होती है उसको भी लेकर आ रहे हैं और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कार्डिक पेशेंट, ये सब मरीज मिक्स पेशेंट आ रहे हैं और ख़ास करके स्पेशल जो खांसी जुकाम बुखार इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। ये जो मरीजों की संख्या को देखते हुए हम लोग अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। हर 1.5 मीटर की दूरी पर मरीजों को खड़ा रखते हैं। डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं, वहाँ भी दूरी मेंटेन करके उनकी समस्या को सुनते हुए और उनको जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जरूरत पड़ता है तो उनकी जाँच कराते हैं और सलाह भी देते हैं कि हैंड वॉश रेगुलर करते रहें, मास्क लगा कर रखें और ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, बहुत ज़रूरत हो तभी जिला अस्पताल या कहीं भी चिकित्सालय में जा कर के अपना जो है ड्यूटी मतलब अपना इलाज कराएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारी चीज़ें हम लोग केयर कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। सर कितनी ओपीडी चल रही है फीवर की? फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, मोर और लेस है। हम यहाँ मेडिसिन की 4 ओपीडी चलती है और हर ओपीडी में 80-90 मरीज अमूमन आ जाते हैं और उनको विधिवत इलाज किया जाता है, देखते हैं।